जोहार रायपुर के प्रस्तुत करता है वाइल्ड स्टोन। लोग तो नोटिस करेंगे, वाइल्ड स्टोन परफ्यूम्स फॉर मेन। जय जोहार, जोहार रायपुर में सबो दर्शक मन के स्वागत है। मैं हूं बबीता। अब बढ़थन खबर मंडाहर। सबले पहली देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। सीएम रमन हा करी चुनाव प्रचार की शुरुआत, 65+ के संग सरकार बनाए के करी दावा। चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सीट पर प्रचार सामग्री वितरण पर राखी मांग। और कानूनी फेर में फंसे फिल्म बधाई हो के मेकर्स, कहानी चुराए के आरोप में FIR दर्ज। अब खबर विस्तार ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह पहली चरण के चुनाव पर अपन प्रचार प्रसार के आगाज करिस। ए आगाज पर मुखिया सुकमा जिला के दोरनापाल पहुंचिस, जिहां वह एक विशाल आम सभा संबोधित करिस। डॉक्टर रमन हा बड़ संख्या में पहुंचे ग्रामीण मल्ल संबोधित करत हुए कहिस कि सुकमा जैसे नक्सल क्षेत्र ला जिला बना के विकास कर अब सिर्फ राजधानी ले ही आप सबके आशीर्वाद लेबर आया हूँ और भाजपा प्रत्याशी ला वोट दे के मोला आशीर्वाद दो। वह कही सवे कि कांग्रेस आज तक ये क्षेत्र ला देखे नहीं है, सिर्फ भाजपा सरकार हा सुकमा ला बदल दे है और कांग्रेस सिर्फ धोखा और छल करे हवे और यहाँ के विकास सिर्फ भाजपा के देन हरय। भारतीय जनता पार्टी के जीत के शुरुआत कोटा ले हो ही 65+ टारगेट के शुरुआत कर जीत के दावा करे है। यहाँ जेन दिन कमल खिल ही वो दिन विकास और तेजी ले आई। कमल ला चुनाव विकास के भागीदार बनाओ, सड़क बन ही बिजली घर में पहुंची। 2003 ले सुकमा आवत हवा, मैं हाँ सुकमा ला टूटा देखे फिर ओला बना के आज विकास के राह में ले आये हूँ। हर गरीब ला 1 रुपया किलो चावल दे के गरीब के बड़ परेशानी ला राहत पहुँचाए हूँ। तेंदुपत्ता बोनस ले गरीब मल्ला ओकर हक दे के काम करे हूँ। सरकार हा दोरनापाल मा पुल निर्माण ले लेके 132 केवी बिजली स्टेशन के निर्माण आऊ। अगर कोंटा विधानसभा मा धनीराम बरसे हा अगर जीत ही ता 4 गुना तेजी ले विकास करे के वादा करे है। बस्तर से पहला कार्यक्रम दोरनापाल कोंटा सुकमा में है, दूसरा कार्यक्रम बस्तर जिले में, दूसरा गीदम दंतेवाड़ा जिले में है, तीसरा बगमोहलई बस्तर में है और उसके बाद चौथा कार्यक्रम हमारा मर्दापाल, ये जो नारायणपुर क्षेत्र का कार्यक्रम है। तो बस्तर से ही शुरुआत कर रहे हैं और बस्तर के उन क्षेत्रों में माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर हमेशा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं। आज उन्हीं की धरती से इस चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव अभियान जो आज जगदलपुर से हम शुरू कर रहे हैं, दंतेवाड़ा से शुरू कर रहे हैं, सुकमा से शुरू कर रहे हैं, नारायणपुर से शुरू कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो एक बड़ा लक्ष्य बना के हम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाई 2018 के तैयारी मन के समीक्षा पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत 31 अक्टूबर के संझा 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंची, जेकर तैयारी ला पूरा कर ले गए। आयुक्त रावत 31 अक्टूबर के संझा रायपुर पहुंची और दूसरे दिन 1 नवम्बर के बिहनिया सबले पहली राजनीतिक दल के संग बैठक करी। एकर बाद वह लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक संग आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग और रेलवे, विमानन, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के समन्वयक और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी मन के बैठक लेके चुनाव तैयारी मन के समीक्षा करी और संझा दिल्ली जाए ले पहली पत्रकार मन ले चर्चा कर वह लौट जाही। अभी जो प्रोग्राम आया है इसमें कौन कौन आ रहे हैं अभी एकदम फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ भारत निर्वाचन आयोग आ रहा है। 31 तारीख शाम को पहुंचने का प्लान है और 1 तारीख शाम को वापस जाएंगे। दिन में जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग है, उसके बाद कलेक्टर्स और SPs, IG, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग है फेज 2 जिलों के साथ, फिर नोडल ऑफिसर्स के साथ बैठक है और चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ फाइनल बैठक है,
और लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाजपा चुनाव आयोग पहुंच के प्रचार सामग्री के धरपकड़ के मामला में एक ज्ञापन सौंपे है। एक ज्ञापन में भाजपा तर्क दे हवे कि योग कोती ले एक ही गाड़ी ले सबो विधानसभा में प्रचार सामग्री तैबेरा में पहुंच पाना नामुमकिन हवे, लिहाजा एकर बार आयोग उकर ले 10 मालवाहक वाहन के सशुल्क अनुमति मांगे हवे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ले भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करिस। ओकर तरफ ले मांग रखे गए है कि राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाए बर वाहन जाते वोला ओकर अनुमति सशुल्क दे जाए। प्रतिनिधि मंडल कही सबे कि राजनीतिक दल मल्ला पूरा प्रदेश भर में प्रचार सामग्री वितरण बर एक मालवाहक वाहन की अनुमति दे के निर्णय ले है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति ला ध्यान में रखत हुए केवल एक ही वाहन ले प्रदेश के सबो 90 विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री पहुंचा पाना संभव नहीं है। भाजपा नेता मन ये तर्क दे हवे कि प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र में चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण और प्रकाशन के व्यवस्था नहीं है, लिहाजा राजनीतिक दल प्रदेश मुख्यालय ले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार सामग्री के वितरण करते और एक बार राजनीतिक दल केंद्रीय स्तर में मुद्रण और प्रकाशन कर सामग्री लाते और ओकर वितरण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करते। राजनीतिक दल मल्ला प्रचार सामग्री वितरण पर 10 मालवाहक वाहन के अनुमति प्रदान करे पर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ले अनुरोध करे हवे। और राजनीतिक दल के नेताओं के बैनर पोस्टर अगर नहीं पहुंच पाएंगे, प्रत्याशी अपनी चुनाव सामग्री छपा करके ले जा नहीं पाएगा तो वो अपना प्रचार कैसे करेगा? क्योंकि जब भी कोई प्रत्याशी अपनी सामग्री को लेकर के जा रहा है तो जहाँ जहाँ बैरियर लगे कोई भी व्यक्ति उसको रोक लेता है और रोकने के बाद में गाड़ियाँ जब्त हो रही है। हम उनको ये बताने आए कि अगर आपको लगता है भाई कि जो सामग्री जा रही है उस सामग्री की गणना कर लीजिए, उसमें प्रिंट लाइट देख लीजिए, उसके नियम में देख लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के अंदर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों उन सबकी प्रचार सामग्री समय पर उनको मिल जाए, इसका सरलीकरण कैसे हो सकता, इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती, इससे अवगत कराने के लिए चुनाव आयोग के पास हम सब लोग आए थे। इति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू बोला आश्वस्त करत हुए कही कि ओकर ज्ञापन ला भारत निर्वाचन आयोग के सुपुर्द कर दे गए है, काबर की कुछ नियम मन में फेरबदल होए के चलत नियम ला लागू करे गए है। बीजेपी के पदाधिकारी गण आज आए थे, जो प्रचार सामग्री का मूवमेंट के लिए जो ECI का जो डायरेक्शन है, निर्देश है कि कितने व्हीकल्स परमिसिबल हैं, किसको परमिशन मिलेगा, किस मात्रा में मिलेगा, उसमें वो बढ़ोतरी चाह रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें संभव नहीं है इतने कम मात्रा में, तो उसके लिए ज्ञापन देके गए हैं। हम उस ज्ञापन को हम अग्रेषित कर रहे हैं अभी भारत निर्वाचन आयोग को, जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हमको आगामी कार्यवाही करेंगे। बहरहाल भाजपा के ज्ञापन में चुनाव आयोग सोमवार तक ही कोनो फैसला ले पाई, काबर की शनिवार और रविवार दो दिन तक छुट्टी होए के सेती भारत निर्वाचन आयोग कोती ले एमा कार्रवाई होने के संभावना बहुते कम हवे। CEO सुब्रत साहू एकर ओर इशारा करत हुए कही से कि भारत निर्वाचन आयोग ले जैसे ही एमा कोनो अमल के आदेश आही ओकर हिसाब ले हर राजनीतिक दल ला एकर सूचना दे जाही। देश टीवी पर कैमरामैन रिश्नेताम के संग सरू भट्टाचार्य के रिपोर्ट। भाजपा के लिस्ट में जिन प्रत्याशी मन के नाम शामिल नहीं करे गए है वो मन बागी हो गए है, जेकर ले भाजपा डैमेज हुआ थे और ये कंट्रोल करे के जुगत में अब पार्टी लगे हुए और ओला मनाए के दावा घरों करा थे। भाजपा ला चुनाव जीते बर भले ही दूसर पार्टी मन ले मुकाबला करना पड़ी, फिर फिलहाल हालात ऐसे है कि पार्टी के प्रत्याशी मन ला अपन ही पार्टी के बागी मन ले मुकाबला करना पड़ा थे। अंतर कला खत्म करे भर भाजपा बार एक बड़े चुनौती बने हुए है। भाजपा अपन प्रत्याशी मन के जैसे ही सूची जारी करी कई विधानसभा में टिकट के दावेदार मन बागी हो गए। अब नाराज दावेदार मन मैदान में खुल के उतरा है और यही नहीं नाराज दावेदार मन विरोध प्रदर्शन पर अपन सैकड़ों कार्यकर्ता मन के संग में रायपुर घलोक पहुंचे थे। हालांकि पहले चरण के 18 सीट में होवैया मतदान क्षेत्र मन में कई दावेदार मन अपन नाम वापस घलो ले लिए है, जेकर ले पार्टी ला थोड़ के राहत घलो मिले है। फिर दूसरा चरण के बागी मनले अभी भी रजामंदी नहीं हुए की सेती पार्टी मा डैमेज के संभावना बढ़ गए है। कुछ बागी मन पार्टी लाइन ले बाहर जाके निर्दलीय चुनाव लड़े के घलोक मन बना लिए है। इति संगठन के नेता मन डैमेज कंट्रोल करे मा जुटे हुए है। संगठन के मानना है कि घर मा ही छोटे छोटे मतभेद है, जेला जल्दी ही ठीक कर लिए जाए, चिंता के कोनो बात नहीं है। उहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक घलो बागी मतलब मनाए के बातला स्वीकारे है। कौशिक का कि इसके कार्यकर्ता मतलब मालूम है कि सरकार दोबारा सत्ता में बैठी
एकरे सेती टिकट के दावेदारी घलो पड़ गए हे। खास असंतोष के बात ले इनकार घलो करे हे। संगे मा यूहा विरोध ला प्रायोजित करार दिए हे। जीत की संभावनाएं दिखती है तो सब लोगों में अपेक्षा होती है और ये हमारे घर में है, इसमें कोई असंतोष की बात ही नहीं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, प्रत्याशी सरकार में पार्टी है और सबको ये मालूम है कि सरकार रिपीट हो रही है। एक एक क्षेत्र में दो दो तीन तीन चार चार दावेदार थे। केवल 90 टिकट ही आप बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा टिकट देने का आपको अधिकार भी नहीं है। लेकिन जो टिकट वितरण किए हैं वो नॉमिनेशन अब दाखिल करेंगे तो कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से जिनको नहीं मिली तो थोड़ा बहुत मन में रहते ही है और इसलिए कोई पार्टी में कोई खास असंतोष की बात नहीं है। पार्टी के हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी संगठन भी बातचीत कर रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों से प्रायोजित या कुछ अपने मन की बात रखने के लिए आए हैं, बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण सब काम में लग रहे हैं। जाहिर है संगठन मा एन चुनाई के बेरा मा कार्यकर्ता मन के असंतोष मतदान ला घलो प्रभावित कर सकत है। एक स्थिति कद्दावार नेता मन हर रूठे हुए कार्यकर्ता मन ला सरकार आए के बाद मा उकर पूछ परख होए के बात कहा थे और चुनाव के बेरा होत डैमेज ला कंट्रोल करे मा लगे है। अब देखना है कि बागी मानते या निर्दलीय चुनाव लड़के भाजपा प्रत्याशी ला ही नुकसान पहुँचा थे। देश टीवी पर कैमरा मैन ऋषि नेताम संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। पहली चरण के चुनाई पर भाजपा चुनावी प्रचार में जुट गए हवे। इस सभा मन के शुरुआत देश के प्रधानमंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हा करही। 9 नवंबर के पीएम मोदी हा बस्तर संभाग के जगदलपुर में एक बड़े सभा ला संबोधित करही। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा ला संबोधित करे पर 9 नवंबर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा चुनावी सभा के संघनाद करही। पीएम मोदी के अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5 दिन के मैराथन द्वारा करही। यह 5 दिन में अमित शाह जनसभा और रोड शो के माध्यम ले छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल ला तैयार करही। छत्तीसगढ़ में पहली चरण के 18 सीट में चुनाव हुआ है, जेखर बार 12 नवंबर के मतदान हुई। ये 18 सीट में 12 सीट हा बस्तर संभाग के हरा और 6 सीट हा राजनांदगांव जिला के हरा, जेमा बस्तर के सीट ला भाजपा हा अपन पक्ष में करना चाहते, लिहाजा भाजपा हा बस्तर ले ही पीएम के सभा के आगाज करी। ये बात के जानकारी देवत हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मनसिंहा केस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा जगदलपुर में एक बड़े चुनावी सभा ला संबोधित करी और संगे माही वहा कही सवे की मोदी हा बस्तर के अलावा राजनांदगांव में घलो चुनावी सभा ला संबोधित करी। पीएम सब का कार्यक्रम जो अभी शेड्यूल आया है वो 9 तारीख को पहला कार्यक्रम जगदलपुर से शुरुआत कर रहा है और उसके बाद प्रथम चरण द्वितीय चरण में लगातार उनका कार्यक्रम। पीएम साहब का पहले से अनुमान लगाना कठिन होता है मगर छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष समय देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सबो स्टार प्रचारक मन हा अब एक एक कर पार्टी पर प्रचार प्रसार करे बर छत्तीसगढ़ पहुंची, जेकर शुरुआत ला पीएम मोदी के सभा में हुई। ये स्टार प्रचारक मन हा प्रदेश में हुईया चुनावी सभा और रैली मन में केंद्र राज्य सरकार के करे हुए काम और जन उपयोगी योजना ला सामने में रखी। संगे में ही प्रदेश में हुए विकास कार्य मन के लेखा जोखा ला घलो सभा के मार्फत पार्टी के दिग्गज नेता मन हा जनता के बीच में पेश करी, जेकर बिना मा भाजपा हा प्रदेश में चौथा घाव सरकार बनाए पर जनता ले आशीर्वाद मांगी। देश टीवी पर निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक मन के छत्तीसगढ़ में पहुंचे के क्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग शुरू हुई। पीएम के दौरा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ में मैराथन दौरा करी। पहली और दूसरा चरण के चुनाई पर शाह 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में ही रही, जिहां ले वो पूरा चुनावी कमान संभाली। शाह ये 5 दिन में कई सभा और विधानसभा प्रत्याशी मन पर रोड शो घलो करी। गौरतलब हवे कि अमित शाह छत्तीसगढ़ में भाजपा के मिशन 65 के टारगेट ला पूरा करे बर कार्यकर्ता मल्ला बूथ तक पहुंचाए बर
और ओखर मॉनिटरिंग के काम खुदे करे थे, लिहाजा शाह के दौरा ले भाजपा ला फायदा मिली। जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी हा मरवाही ले अपन नामांकन फॉर्म मंगा ले है। जोगी के नामांकन खरीदी के संगे माही रेणु जोगी पर घलो जेसीसी जे कार्यकर्ता हा नामांकन खरीदे हवे। ए बात ले प्रदेश के सियासी पारा हा अवगरमागे है। कयास लगाए जाते कि रेणु हा कांग्रेस ले छोड़ जनता कांग्रेस ले कोटा के चुनावी मैदान में उतर सकत है। जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी हा शनिवार के अपन नामांकन ला खरीद ले है। वह पार्टी के ही कार्यकर्ता के मार्फत अपन नामांकन फॉर्म मंगा है। नामांकन वह मरवाही विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े पर ले है। चुनाव के नामांकन खरीदे के संग में ही प्रदेश के सियासी पारा हा वो बेरा में गर्मा गए जब रेणु जोगी के नाम नामांकन फॉर्म के रसीद सोशल मीडिया में वायरल हो लगी, जेमा ये दावा करे है कि रेणु हा जनता कांग्रेस के सीट ले कोटा के चुनावी रन में उतरी। पार्टी सूत्र हा बताई सबे कि दोनों बार नामांकन जेसीसी जे नेता विशंभर गुलहरे हा खरीदे है। एति रेणु जोगी हा ये बात ला खुदे किनारा करत हुए मीडिया में बयान जारी करे है कि मैं हा कोनो फार्म नहीं ले हा। वह कही सबे कि मोर ले लोगन मन हा पूछत हवे, मोर जानकारी में नहीं है। देश टीवी पर निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार के रथिया राजधानी हा कत्ल के वारदात ले सहम गे हवे। हाई सिक्योरिटी जोन कहलाने वाला अटल नगर लूट और हत्या ले सहम गे हवे। अटल नगर निवासी रिटायर्ड एसडीओ के पत्नी चंद्रकली शर्मा के हत्या हुई हवे। आरोपी मन हा लूट के वारदात ला अंजाम दे हवे और मौका में ही महिला के जान ला घलो ले लेहे और फरार हो गए है। घटना के सूचना मिले के बाद पुलिस हा चौकस दिखिस और मौका में तलाशी लीस। आरोपी के तलाश में जुट गए रहिस। आप माला बता दें कि अटल नगर के सेक्टर 27 में बुजुर्ग महिला हा अकेला ही राहत रहिस। रिटायर एसडीओ के मृत पत्नी के बेटा कुशालपुर में रही थे। पुलिस के अनुसार ले महिला ला अकेला पाके घटना ला आरोपी मन हा अंजाम दे हवे। हत्या के बाद आरोपी मन हा घर में रखे सोना की चूड़ी एटीएम समेत नकदी लेके फरार हो गए हवे। ये सेक्टर 17 नया रायपुर में पीएस राखी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला अकेला रहती थी और उसमें एक बाहर के व्यक्ति जो पूजा करने के नाम से आया हुआ था और उसमें घर का सामान देके उसका थोड़ा नियत ख़राब हो गया और उसने वहाँ का सामान गायब करने की कोशिश की। चूँकि वृद्ध महिला थी तो वो वृद्ध महिला इसको सामान चोरी करते वक्त देख ली थी और इसी पर से मना किया क्या कर रहा करके, तो चूँकि उसको लगा कि अब मेरे को देख लिए करके और उसकी गला दबा के हत्या करके फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही वो पुलिस गिरफ्त में होगा। चुनाव आवत ही प्रलोभन के फहरिस्त में प्रत्याशी मन के नाम आए लगे है। ऐसे ही मामला रायपुर पश्चिम के प्रत्याशी राजेश मुनत ऊपर लगे हवे। घड़ी में राजेश मुनत के फोटो लगाए हवे, जेला लेके अब चुनावी रंग हा दिखाई देवत है। भाजपा हा इला दरकिनार करे है तो उन्हें चुनाव आयोग के संज्ञान में आए के बाद पूरा खर्चा प्रत्याशी के खाता में जोड़े के बाद हा आगू आए हवे। चुनई बाजार में प्रलोभन देना प्रत्याशी मल्ला महंगा पड़ जाते। अब प्रदेश में घलो चुनई के बेरा है। ऐसे में रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मन के नाव ले घड़ी बाटत देखे जाते। कोनो दुकान और कोनो अन्य स्थान मन में भाजपा प्रत्याशी राजेश मुड़त और सीएम के फोटो लगे घड़ी वितरित हुए है। हालांकि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेश मुड़त एला सिरा ले खारिज कर दिए है। तहें भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने कही कि प्रलोभन दे के काम भाजपा के नहीं है। अगर ऐसे हुए हैं तो चुनाव आयोग एमा संज्ञान लेके जांच करे और कार्रवाई घलो होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है अभी। भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई इस प्रकार के निर्देश प्रत्याशियों को दिए हैं, न भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे में इस प्रकार की कोई बात है। यदि कहीं पर इस प्रकार की प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की कोई सामग्री प्रलोभन के लिए बांटी जा रही, तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, शिकायतकर्ता भी स्वतंत्र है कि वे शिकायत करें और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। इस मसला में जब पत्रकार मनहा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ले कार्रवाई के संबंध में पूछिस तो मनहा दो टूक जवाब देते हुए कहिस कि जो भी करे जाते यदि प्रत्याशी के फोटो है तो पूरा खर्चा ला प्रत्याशी के खाता में जोड़बो। जो प्रत्याशी अगर के साथ लिंक्ड है कोई सामग्री तो उनके खाते में जुड़ा जाएगा, इसमें कैसे की कोई बात ही नहीं है। अगर प्रत्याशी के नाम के साथ है या उसके फोटो के साथ है तो उनके खाते में ही जुड़ेगा। बहरहाल चुनई में प्रलोभन ला रोके के चुनई आयोग हा कठोर तो है, फिर लुका चुरा के कोनो प्रलोभन देवा थे और पकड़ ले बच जही तक कुछ नहीं कहे जा सके। देश टीवी पर कैमरा मैन ऋषि नितामसंग स्वर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
हिंदी फिल्म बधाई हो रिलीज के बाद ले ही कानूनी पचड़ा में फंस गए हवे। छत्तीसगढ़ के लेखक और पत्रकार पारितोष चक्रवर्ती हा ये फिल्म के निर्माता निर्देशक और लेखक ऊपर कहानी चोराय के फिल्म बनाए के आरोप लगाए हवे। संगे माही चक्रवर्ती हा रायपुर के पंडरी थाना में FIR दर्ज घलो कराए हवे। पुलिस घलो तकनीकी जाँच के बाद कहा थे। छत्तीसगढ़ के लेखक और पत्रकार पारितोष चक्रवर्ती हा फिल्म बधाई हो के निर्माता निर्देशक और लेखक ऊपर कहानी चोराय के फिल्म बनाए के आरोप लगाए है। बीते सप्ताह रिलीज हुई फिल्म बधाई हो के निर्माता लेखक और निर्देशक के खिलाफ मूल लेखक पारितोष चक्रवर्ती हा रायपुर के पंडरी थाना में FIR दर्ज करा है। आप हमला बता दें कि बीते 19 अक्टूबर के रिलीज हुई फिल्म बधाई हो के निर्माण विनीत जैन, आलिया सेन, हेमंत भंडारी हा करे रही सवे और निर्देशन अमित रविन्द्रनाथ शर्मा हा करे है। ये फिल्म में आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हवे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छा कमाई करत हवे। बधाई हो फिल्म आयुष्मान खुराना ऊपर आधारित हवे, जेकर खुदे के उम्र शादी करे के हो गए है। फिर यही उम्र में जब ओकर माता नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो जाते तो ओकर जिंदगी में खलबली मच जाते। मम्मी प्रेग्नेंट है मेरी। मम्मी मतलब तेरी मम्मी? तो क्या तेरी मम्मी? She's what? कैसे? I think जैसे होता है वैसे। ये टॉपिक माँ बने फिल्म के रिलीज होते ही तहलका मचा दे है। ये फिल्म माँ कॉपीराइट के शिकायत माँ पारितोष चक्रवर्ती हा आरोप लगाए हवे कि 19 बच्चर पहली प्रकाशित होकर कहानी संग्रह घर बुनते हुए में शामिल जड़ नामक कहानी ला चुरा के फिल्म बधाई हो बनाई गई हवे। वह कही सवे की बच्चर 1998 माँ कादम्बनी माँ जड़ नामक कहानी के बांग्ला अनुवाद छपे रही सवे। ये कहानी ला बिना अनुमति के फिल्म माँ हूबहू कॉपी करे है, जे हा कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन माने जाते। जड़ नाम से वो हिंदी में कादम्बनी में छपी थी, वो करीब 25-1 साल पहले, और वो बांग्ला अनुवाद उसका हमारी श्रीमती जी ने किया था। तो वो बांग्ला अनुवाद जो है वो 95 में सानंदा में छपी है। आप उसकी कॉपी देखना चाहें तो उसका कवर का फोटो देख ले सकते हैं। और वो कहानी जो है मेरी एक संग्रह है, 99 में छपी थी दिल्ली से, उसमें वो कहानी संग्रहित है। जड़ नहीं नहीं वो तो मामला मैंने कर दिया है, वो FIR में यही जो आप लोगों से बात हो रही है वही बात लिखी है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है जो ओरिजिनल उनकी फिल्म में कौन कौन से नाम है डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरी राइटर का, वो नाम की स्लिप भी मैंने उनमें लगा दी और दे दिया है मैंने FIR में। उस पर जांच वो करेंगे, मेरे को आश्वस्त किए हैं करेंगे, SP से भी बात हो गई है, तो FIR होगा, उसके बाद ये जांच होगी, और इसी बीच में जो है वकील के थ्रू एक नोटिस भेजूंगा। राजधानी के पुलिस आ लिखित शिकायत मिले के बाद पूरा तरह ले तकनीकी जांच के बाद पुलिस आ कहा थे, विषय विशेषज्ञ मल्ले परामर्श कर फैसला में पहुंचे के बाद पुलिस आ कहा थे। यहाँ पे नई सदी एक मैगजीन है, उसके संपादक हैं पारितोष चक्रवर्ती करके, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन थाना मोहा में दिया है कि इनके द्वारा पूर्व में लिखी गई एक कहानी पे एक मूवी बनी है जिसका कि इन्होंने अनुमति लिया है, जिसके जबकि इसकी कॉपीराइट इनके पास है और बिना अनुमति के फिल्म का निर्माण किए हैं और जो अभी कई टाकीजों में लगी हुई है। इस पर से हमने अभी इनका आवेदन प्राप्त हुआ है और इनको इनकी जो जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं उसकी मूल कापी हमने बुलवाया अभी और उसकी हम जांच करेंगे और जांच वगैरह सही चीज़ अगर सामने आएगी तो निश्चित इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा बधाई हो के बधाई है खटाई में पड़त दिखाई देते, कानूनी लड़ाई पर लेखा खा ठान ले, यदि पुलिस ले कोनो भी आसमानी जवाब नहीं मिली तो वह कोर्ट के दरवाजा में खड़ा होके बाद खलो कहा थे। अब देखना हवे कि फिल्म आए संकट के बादल है कब छटते। देश TV पर कैमरामैन संतोष साहू के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। अब जाजा देखो देखता खबर के सुर्खी मल्ला। CM रमन ने करी चुनाव प्रचार की शुरुआत, 65+ के संग सरकार बनाए के करी दावा। चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सीट पर प्रचार सामग्री वितरण पर राखी मांग। अब कानूनी फेर में फंसे फिल्म बधाई हो के मेकर्स, कहानी चुराई के आरोप में FIR दर्ज। अब आप मन देश TV के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला हमारे YouTube चैनल में घलोक देख सका था।
जोहार रायपुर में आज बस इतना ही, बोला दो विदा, जय जोहार। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।